अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। जी, वेलकम करती हूँ आपको अपने शो स्टार विद विनस में, और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात चौहान। आज जो हमारे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम ही काफ़ी है। उन्हें आपने बहुत सारे सिटकॉम, थिएटर शोज, टीवी और फिल्म में भी ज़रूर देखा होगा। वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, और कॉमेडी तो क्या ही करते हैं। फिल्मबदी हमें तो सोचना पड़ता है कॉमेडी के लिए, पर उनकी कॉमेडी खुद निकल कर आती है। तो आइए जी, वेलकम करते हैं शकील शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शकील मैं आप? तो बस आपके सामने हूँ जैसा बिल्कुल था। फिट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कैसी चल रही है लाइफ आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है। अब ये कोविड की वजह से दोबारा अब जो खत्म हुआ है, पहले तो वो अल्लाह का शुक्र, उसके बाद दोबारा अब एक्टिविटी शुरू हुई है। स्टेज एंड थिएटर कराची की बात बता रहा हूँ, ओनली कराची, कि इस वक्त बिल्कुल ही माइनस हो गया था, तो अब दोबारा एक्टिव हुए हैं बस। तो अभी कराची में ही काम स्टार्ट हुआ है थिएटर का या नहीं? नहीं, बाकी? लेकिन ये बड़े अच्छे बात किया आपने कि पंजाब में तो स्टार्ट था, कोविड में भी चल रहा था, पंजाब चल रहा था, जाहिर है मेरे सबसे लिंक इस्लाम दुआ होती थी। तो यह हमने यहाँ पे कोई सुनता नहीं है थिएटर के, तो जबू हाली का शिकार है थिएटर, कोई पुरसान हाल ही नहीं है थिएटर का। तो बस अपने बिहाफ पे हम जो करते हैं करते हैं। अब ये देखें ना, दो ये भी अलमिया देखें कि 1.5 साल पहले एक फेस्टिवल करवाया था अहमद शाह साहब ने आर्ट्स काउंसिल के अंदर, बस उसके बाद अब तक कोई ड्रामा नहीं हुआ, कोई शो नहीं हुआ, ये देखें। तो 1.5 साल, जाहिर है जिनकी रोजी रोटी यहीं से चल रही है, उनका क्या हाल होगा? चल, हमारा तो और भी साइड है, क्या टेलीविजन भी है हमारा, फंक्शन शोज, कॉन्सर्ट वगैरह भी है, डिफरेंट और वॉइस ओवर भी शुरू कर दिए, लेकिन वो बेचारे टेक्नीशियंस, जो टेक्नीशियन सेट डिजाइनर ये वो कहाँ जाएंगे? मेकअप आर्टिस्ट वगैरह जो थिएटर के थे, जो थिएटर के वो कितने परेशान। फिर जाहिर हम सबने मिल किया अपने फनकारों ने और अहमद शाह साहब ने, जो सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची के ग्रेट आदमी, उन्होंने किया फनकारों के लिए, तो इस तरह सिलसिला चल रहा है, वरना फनकारों पे तो तवज्जो ही नहीं है हुकूमत की। हाँ, चीनी आटे की तरह फनकारों का अभी मैं कुछ बोलूंगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, फनकारों की वो बढ़ती ही जाएगी। मुझे लगता है एक वक्त आएगा कि बस हम जो है ना साइकिल्स पे आ जाएंगे या कुछ और सवारी का सोचेंगे। ड्रॉप नहीं होती उसके अंदर, पेट्रोल आया करता है ड्रॉप के अंदर, वो छुपा छुपा के लेके आएंगे, जैसे कोई मंशियात लेके आते हैं पेट्रोल, ऐसा होगा, पेट्रोल, चीनी, आटा, दाल। अभी क्योंकि जाहिर है पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो सारी चीजें, इकोनॉमी हमारी जाहिर है मईशत जो होती है वो, बिल्कुल महंगाई के बारे में, चले महंगाई में लग गए कोई नहीं, महंगाई के बारे में बात हुई है तो क्या कहते हैं इतनी महंगाई, मतलब इन 3 सालों में बहुत ज्यादा महंगाई। नहीं, महंगाई की भी एक बात है, मेरा एक दोस्त है तो मैंने उससे बोला यार पेट्रोल अब 100-150 के करीब हो गया, तो कह रहे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने क्यों, कह रहे कल भी 50 का डलवाता था, आज भी 50 का डलवाता हूँ। उसको ये क्वांटिटी का पता नहीं चल रहा, उसने मौसम में तो बोला मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कल भी 50 का डलवाता था, आज भी 50 का डलवाता। इतना फर्क तो पड़ेगा ना, अगर वो समझ लें कश्मीर रोड से मलगिर जाता है तो 50 रुपए में क्या पहुंच आते हैं फिडर वाले का, 50 का मतलब उसको बस है, बस सही है, ये बात तो बिल्कुल। 500 भी कर दो लेना पड़ेगा, लेंगे ना लेंगे तो क्या करेंगे, घर थोड़ी बैठेंगे, पैदल थोड़ी जाएंगे, रक्शे में साइकिल में थोड़ी जा सकते हैं। नहीं, और अगर हम रक्शे में जाते हैं या बसेस में भी जाते हैं तो उनके भी तो किराए मेरे ख्याल से बढ़ेंगे, वो उसमें इजाफा होगा, तो उसमें भी इजाफा होगा, तो मतलब आवाम जो है ना किसी हाल में बेचारी बर्दाश्त क्या करे, खुशी नहीं रह सकती। हम तो बर्दाश्त तो कितना करेंगे, कोविड के अंदर अब देखो ना, 2 साल बीवी ने हमारी शक्लें बर्दाश्त किए हैं, और आपने बीवी होगी बर्दाश्त, अल्लाह को अकबर। हम तो करते जा रहे हैं ना भाई, मर्द तो बर्दाश्त, लेकिन इसमें कोविड के अंदर मुझे कपड़े धोने आ गए, मुझे पोछा लगाना आ गया, खाना पकाना, सबसे अच्छी बात खाना, और खुदा की कसम खाना पकाना, हाँ खाना पकाना, अब क्या करूंगा घर में बैठ के, तो चलो बेगम को हाथ ही बता लो, कुछ एक्टिविटी तो खाना वाना, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में बड़ी भाड़ियों के बेड़ा घर। कौन कौन सी भाड़ी बेड़ा घर? वो एक था मेरा सबसे पहले आता है टोमेटो चिकन, हाँ। वो तो ऐसा उसमें नमक मसाला डल गया, ज्यादा हो गया मुझसे, हाँ, जाहिर आइडिया। वो मैंने रेसिपी अब निकाली नेट से, मैंने कहा मैं बनाऊंगा आज, कोई ना बोले बीच में, ओके वाइफ ने कहा वो बैठ गई, मैंने बनाया टोमेटो चिकन का बेड़ा गर्क कर दिया, मैंने खा के देखो, खाया फिर फेंका, उसके बाद फिर बनाया, नहीं नहीं खाया फिर फेंका, फिर बाजार से लेकर आया। अच्छा पता है क्या, रेसिपी हम लोग देख तो लेते हैं पर क्वांटिटी का आइडिया करना पड़ता है कि आप कितना बना, हर चीज का एक तरीकेकार होता है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। शकील मुझे बताएं कि शोबिज में आप पहले आए, टीवी साइड पे आए या थिएटर से ही आपने स्टार्ट किया?
नहीं, मैं थिएटर से, थिएटर थिएटर से थिएटर, बल्कि ये बोले समझे कि शुरुआत तो फंक्शन से हुई थी मेरी, फंक्शन से, कॉन्सर्ट वगैरह से। अली रजा हैं हमारे बहुत अच्छे होस्ट, एक चैनल से क्रिमिनल मोस्ट वांटेड भी करते हैं जो अली भाई, वो मेरे उस्ताद हैं, वो लेकर आए थे मुझे। उससे फंक्शन किया करते थे हम लोग, मैं उस दौर में डांसर था। वाकई? हाँ डांसर था उस दौर में। तो मतलब मैंने सीरत देख के बोल रही हूँ, अब नहीं था ना, दो की बात बता रहा हूं। अच्छा मैंने एक चीज सुनी है और ऐसा है भी फैक्ट है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं या डांस वगैरह करते हैं और अगर वो छोड़ दें तो वेट आपका पुट ऑन अगेन होगा, ऐसा है? होता, होता है। नहीं हमारा तो और भी, अच्छा एक तो कॉमेडियन हूं मैं, मेन जो बेस है मेरी कॉमेडी, तो वो अगर मैं स्मार्ट बन जाऊं नए लड़कों की तरह ये, तो वो एक कॉमेडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। हाँ, वो लुक, वो गेटअप भी तो लगना चाहिए, वो लुक वो नहीं रहेगा। तो ये अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो मोटापा तो ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन सेहत अल्लाह ताला से दो है, सेहत मंद रखे अल्लाह, आमीन आमीन। नहीं मोटापा लड़कियों को तो, लड़कियों हां जी लड़कियों को तो सिस्टम ही अलग है, उनको तो थोड़ा सा बस खा लिया, इतनी कैलोरीज ले ली, ये ले ली, वो होता। मेरे पास तो भाई मुझे चावल चाहिए, मुझे बिरयानी चाहिए, सही बात, दोपहर में तो चावल लाजमी। अच्छा मुझसे भी डाइटिंग नहीं होती। हाँ नहीं डाइट आप सही है, क्या जरूरत है डाइट की, माशाल्लाह। कहाँ इस पे भी इतनी बातें सुनता हूँ। वो तो लड़कियों का यही तो है, जब तक वो दुबली पतली यार क्या बना दिया लड़कियों को, बिल्कुल ऐसा मार्कर चला हुआ 60 रुपए वाला, बिल्कुल ऐसा नहीं होना। ये बात भी है, वो अब नया फैशन नया दौर, तो उसके हिसाब से सही है, बिल्कुल सही। तो फिर आप जब फंक्शन आपने स्टार्ट किया, कैसे फंक्शन हुआ, कैसे आए, कौन लाया, और तब आप डांस करते थे फंक्शंस में? नहीं डांस करते थे, हमारा ग्रुप था 3 स्टार पैरोडी ग्रुप, ग्रुप डांस डांसिंग सॉरी डांसिंग ग्रुप। ओके। हाँ उस दौर में 1986-87 माइकल जैक्सन आ चुका था उस वक्त, उनका यहाँ पे पाकिस्तान में फैल चुका था माइकल जैक्सन का जादू। सही। तो जाहिर उस टाइम पे वो फंक्शन शादी ब्याह में किया करते थे, करते करते फिर उमर भाई की कैसेट के ऊपर पैरोडी किया करते, लिपसिंग किया करते थे। सही। फिर वो एक प्रोग्राम में अली भाई ने देखा, उन्होंने ऑफर करी, फिर कराची से यानी कि शाह फैसल कॉलोनी से न्यू कराची का ये तकरीबन बनता है 25-30 किलोमीटर आई थिंक ऐसा ही है, फंक्शन प्रोग्राम उनका था यूपी पे। एक फर्क बता रहा हूँ एयरपोर्ट से लेकर, आप अगर वहाँ से, मैं इस तरह व्यूवर्स को बता रहा हूँ, एयरपोर्ट 20-25-30 किलोमीटर हम पैदल गए थे, पैसे भी नहीं थे हमारे पास जाने के, वो खुशी इतनी थी हमें फंक्शन मिल गया वहाँ पे, जाना है हमने परफॉर्म करनी है वहाँ से, वो 25-30 किलोमीटर गए पैदल, 25 जवान थे यंग थे, हंसते खेलते पहुंच गए, ये वापसी आते मेरे घर गाड़ी वाले से लिफ्ट लिया वो जो होते हैं ना हमारे जो ड्राई क्लीनर धोबी जो होते हैं, मतलब घर का कपड़े लेके आते हैं उनमें बैठ गए किसी से, इस तरह वापसी में लिफ्ट। तो बड़ी स्ट्रगल बहुत की, फुटपाथों पर सोया, प्रोग्राम खत्म कर लिया, प्रोग्राम खत्म हो गया सुबह 4 बजे, अब सुबह 4 बजे शादी वादी, चलो भाई चलो भाई चलो, अब उनका टेंट लगा हुआ है उसी में, भाई हम सुबह चले जाएंगे, नहीं नहीं आप लोग बैठा ठीक है, चाय वाय अंदर से भिजवा दी, अब सारे हम डांसर लड़के बैठे हैं, सुबह का इंतजार कर रहे हैं, सुबह हो तो जाएंगे, बसें चलें तो फिर हम जाएं। सही। तो बस वहाँ सुबह 6 बजते थे, फिर हम बसें चलती थी, फिर अपने अपने घरों को जाते थे। कितने दौर, कितना अरसा आपने स्ट्रगल किया? मैंने तकरीबन 8-9 साल स्ट्रगल की, उसके बाद फिर मेरी जॉब, फिर जॉब जॉब की, मैंने टेलीफोन ऑपरेटर था, वहाँ से फिर 90 के बाद से काम शुरू हो गया, 1989 से काम शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने देखा जब स्टेज की तरफ मैं आ गया कि जी अब मेरा काम स्टेज पे, अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया था, फिर मैंने जॉब छोड़ दी, बस फिर चल सो चल, फिर तो फिर आप वहाँ स्टेज पे भी डांस वगैरह ही करते हैं? नहीं 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 नहीं, तो बताते भी नहीं थे, लेकिन तमाम आप जो देखिए कैसी, ये बड़ी अच्छी बात है कि तमाम जो मैं कॉमेडियन को जानता हूँ, अगर मैं 50 को जानता हूँ उसमें से 40 कॉमेडियन डांसर थे, बड़े बड़े नाम है इसमें, जबरदस्त। और बाकी मुझे आपका पता भी नहीं था कि आप पहले डांसर थे या बनने कुछ और आते हैं, एक्टर या अपना सिंगर या डांसर थे, सब सिंगर या डांसर, वो बाद में कन्वर्ट हुए। कॉमेडी बड़ा मुश्किल शोभा है कॉमेडी। तो आप कॉमेडी की तरफ कैसे आए, कैसे पता चला कि आप कॉमेडियन बन सकते हैं? मैंने पहला ड्रामा किया स्टेज पे खामोश तमाशाई, अजगर नकवी साहब का था ड्रामा, वो सीरियस ड्रामा था। अच्छा। उसमें मुझे रोल मिला बलोच भाई का, हमारे जो गधा गाड़ी वाला चला, अरे चीड़ है ये, उसमें एक बड़ा जुमला था, वो कहता कल क्यों नहीं आए तुम लेने, जानू कपड़े लेने क्यों नहीं आए या वो सामान लेने, अरे क्या करे हमारा गधा भी मार था। बस वो जुमला मैंने हॉल के अंदर बोला, हॉल में था लियाकत लाइब्रेरी में शो हुआ, तो वो तो जी ग्रामर ये क्या हुआ, मैंने कहा कॉमेडी होती है, यानी एक जुमला पूरा उसमें मेरा कॉमेडी था, वरना वो सीरियस भी आया अपने सामान जानू आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो जो मेरा स्टाइल था वो कॉमेडी में मजा है, कॉमेडी करो। बस फिर मैं उसके बाद उमर भाई से मुलाकात करवाई, यूनुस मेमन साहब है, उन्होंने
कि ये हैं, तो बस उसके बाद से 91-92 से फिर तो उमर भाई के साथ भी कॉमेडी कॉमेडी करना शुरू कर दिया। कॉमेडी की कॉमेडी की। तो आप अकेले करते थे या पेयर में? फिर नहीं, शुरू में अकेला था, शुरू में अकेला था, फिर पेयर में मेरे पहले मैंने कॉमेडी की सलीम आफरीदी भाई के साथ 6 साल उनके साथ मेरे जुड़े, फिर 13-14 साल से मतलब जाकिर मस्ताना, देन वली शेख, अब वली जो सिकंदर सनम भाई के साथ, अल्लाह के नसीब करे उनके पेयरिंग में थे सिकंदर सनम वली शेख अब हमारी है, लेकिन जाकिर मस्ताना जो है वो हमारी केमिस्ट्री ऐसी है जैसे मियां बीवी वाली नहीं होती। हाँ, वो जो कहता है वो मैं खुद आईक्यू से समझ जाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। मैं बिल्कुल तो बिल्कुल वो दोस्ती वो तो खैर बहुत ही जबरदस्त है। तो अब हमारी बैच के लड़के थे ना, या है लड़के हैं, मैं क्यों अपने आप को बूढ़ा कर रहा हूँ, जाकिर मस्ताना, परवेज सिद्दीकी, अपना वली शेख, आमिर रैम्बो, इरफान मलिक, अली हसन, काशिफ, सब आपके बस ये हमारे बैच के हैं। सही। और उसके बाद कोई कॉमेडियन आप देख लो, ये भी अलमिया देख लो ना, कोई और कोई नहीं देखा कि कोई कॉमेडियन कोई नाम बनाया हो किसी ने, या कोई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, स्टेज ड्रामे नहीं हो रहे। अच्छा, वो जो एक दौर था जब ये सब आप लोग एक शो किया करते थे, सब साथ होते थे, तो वो एक अलग ही बात थी। हमने 2.5-3 साल जिसमें आप भी थी, जिसमें मैं भी चैनल से, हमने याद होगा आपको 2.5-3 साल बहुत हम रहते ही वही थे, घर था हमारा। कौन कौन आर्टिस्ट नहीं था, इवन देन लाहौर से भी थे सब, अपना अमानुल्लाह साहब थे, नसीम विक्की थे, बड़े अच्छे अच्छे कैसर पिया, काफी कैसर जफरी खान, कौन कौन नहीं था, सखावत नाथ वगैरह, ये कराची का तमाम, और शकील सिद्दीकी भाई, रोहन लाला भाई, सलीम भाई, ये भी बड़े मजे की बात है कि लाहौर और कराची के आर्टिस्ट साथ मिलके काम कर रहे थे, बड़ा एक अलग ही एंजॉयमेंट भी होता था। उसके बाद तो देखना कपिल शर्मा जो शो करता है, लोग तो कॉन्सेप्ट तो हमारा था सारा, जो यादें शुरू किया था शकील भाई ने, हमने सब मिलके, मेन तो कॉन्सेप्ट शकील भाई का था जी, बनो तेरी अब्बा की ऊंची हवेली, ऐसे वो प्रोग्राम करते थे जी, जी। वो कॉन्सेप्ट वहां से निकल जाए, वो तो निकल जाता है कॉन्सेप्ट, लेकिन बात यह कि कॉमेडी करना बहुत मुश्किल काम है। कॉमेडी सीरियस आदमी ही कॉमेडी कर सकता है, सीरियस आदमी कर सकता है, सीरियस आदमी जो होगा, जो कॉमेडियन होगा, आई मीन ये कि जो कॉमेडियन होगा वो बहुत सीरियस होगा। आप अगर लोग ये सोच के बैठे होते हैं जब बाजारों में जाते हैं ना कि जी यार ये यार कोई लतीफा सुना दो यार, मैं बाजार फैमिली के साथ आया, मैं लतीफा शकील भाई, अब वो एक लाइटें जलती है, वो अल्लाह ताला की रहमत हो जाती है, करम हो जाता है, वो एक अलग हमारा हमारे वक्त थोड़ी कॉमेडी करेंगे। सही। अब लोग उमर भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे उनके, वो जाती तौर बड़े सीरियस आदमी थे, मजाक तो करते थे, लेकिन जहाँ देन तीसरा बंदा बैठ गया जो अननोन है साथ में, सीरियस गुफ्तगू, ये वो हमारे साथ तो खैर बहुत ही वो उस्ताद है हमारे, हमारे वो लोग समझते हैं कि कॉमेडी है तो उसको यार हर वक्त ही हंसाता रहेगा जोकर की तरह, ये वो तो हाँ, तो जाहिर है ऐसा तो नहीं होता कॉमेडियन। बड़ा दुख की बात है कि पाकिस्तान के अंदर कॉमेडियन की वैल्यू नहीं है, कॉमेडियन जो एंटरटेनर है ना, कॉमेडियन नहीं कह रहा, वो आर्टिस्ट है यार, बिल्कुल आर्टिस्ट है, उनकी वैल्यू नहीं है, जबकि दीगर ममालिक में आप देख लें कॉमेडियन की क्या वैल्यू है, क्या मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है आपके सामने, क्योंकि रुलाना मेरे ख्याल से बहुत आसान है, आप किसी को भी रुला सकते हैं, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है, किसी को खुश करना। बड़ी अच्छी बात की कहना, अच्छी बात करने लग गए तुम तो होता है क्या, एक फंक्शन होता है उसमें एक सिंगर आता है, आप जैसे हसन यागिन ने गा दिया हवा हवा ए हवा कुछ वंस मोर, अब मैं एक जुमला कॉमेडी का बोल दूं कि जी एक बादशाह था उसकी पान की दुकान थी, आप लोग हंसे पान का, हाँ जी उसका नाम बादशाह था अब बोल दी आप हंसी, अब मैं दोबारा बोलूंगा नहीं हंसोगी आप, वो गया टाइम जाहिर है, फिर दोबारा बोलूंगा आप बोलोगी पुरानी बात कर रहे हैं शकील, कोई नई नई बात सुन रहे हैं, अब हम ये हम पे लोड होता है सही, कि एक मरतबा जो कर दिया अब दोबारा नहीं कर सकते हम, बिल्कुल, अरे पुरानी है तो उस ड्रामे में भी की थी, हर ड्रामे में नई बात, हर प्रोग्राम में नई बात, नए जुमले, नए जुकते, नए सिचुएशन, ये जुकतों वाली बात, और ये जो जितने भी आप फिल्मी भी बोलते हैं और या जो स्क्रिप्ट भी लिखते होंगे जाहिर किसी शो के लिए, ये सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन अभी टाइम हो गया ब्रेक का, एक ब्रेक लेंगे और फिर आपसे बात को कंटिन्यू करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारे इंसान शकील शाह, हमारे साथ अभी हैं और हम अभी इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और इनसे इनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे, हमारे साथ रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं। वेलकम बैक जी, हमारे साथ हैं शकील शाह, तो आइए इनसे मज़ीद हम गुफ्तगू करते हैं। जी शकील, तो हम बात कर रहे थे जुगतों की, जुगतों की और फिल्म बदी जो आप बोलते हैं, तो
ये खैर गॉड गिफ्टेड होता है हर किसी के, मेरे पास कोई नहीं कॉमेडी उतर के आती कि मैं बोल दूँ, वो कोई वक्त होता होगा कि मजाक में कोई एक जुमला निकल जाए। आप अच्छी एक्टर एक्ट्रेस है और आपने कॉमेडी की है मतलब, तो जो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना। थैंक यू। लेकिन कॉमेडियन भी जाहिर है एक आर्टिस्ट ही है। बहुत मुश्किल होता है किसी को हंसाना और आपको बार बार अपना स्क्रिप्ट चेंज करना होता है। कॉमेडियन बड़ी अच्छी से ट्रेजेडी कर सकता है, उठा लेना चार्ली चैपलिन जब रुलाते थे, उनसे बड़ा कॉमेडियन कौन गुजरा है। सही बात है। और हमारे यहाँ पे जो हमारे उस्ताद हैं, जो मुनव्वर रफीक साहब जिन्हें आप शायद नहीं जानते, नहीं उनका रंगीला साहब हो गए, ये उमर भाई हो गए, मोइन भाई, जब इन्होंने रुलाया तो रुलाया, फिल्मों में टीवी स्टेज पे रुलाया, मैसेज के साथ रुलाया, हंसाया तो उसका जवाब नहीं। बेशक ये तो है, ये बात तो है, क्योंकि लोग एक्सेप्ट कर रहे थे हंसाएगा, जो हंसाने वाला रुला रहा हो तो लोग परेशान होते हैं, इसके इसको तो अंग ही नहीं है, और ये रुला रहा है तो कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई है, कोई ये होता है। तो क्या ही बात हो गई कि उसमें क्या टैलेंट है, ये अल्लाह ताला का करम होता है, क्या टैलेंट होता है। तो आप जब कहीं शो करने जाते हैं या कोई टीवी शो भी हो रहा होता है कॉमेडी, तो आप स्क्रिप्ट लिखते हैं या कोई कोई सोचा हुआ होता है सीन के, इस सीन को हम क्रिएट करें? और असल में हमारी तरबियत हुई है उमर भाई के हाथ, अल्लाह जन्नत नसीब करे बाबा, इसलिए रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ, अजीम फनकार अजीम। तो उन्होंने, आप दुनिया को ये बता दूं अगर तो वो परेशान हो जाएगी, उमर भाई के किसी भी, मैंने उमर भाई के साथ तकरीबन 21 या 22 साल काम किया है, किसी भी ड्रामे का कोई स्क्रिप्ट नहीं देखा मैंने। अब ये पब्लिक को इस बात से यार कैसी बात कर रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ, वो इस तरह बैठे होते थे, ये हम सब नीचे बैठे होते थे, अब जो सुन रहे जो हमारे साथी है सब इस बात की तायद करेंगे, यहाँ के बंद हुई हम सब अपनी बातों में लगे। हाँ 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 भाई, नज़र भाई, नज़र हुसैन साहब माशा सीनियर नज़र, शकील साहब वहाँ से आया, नौकर है भाई तू? जी भाई, यहाँ से ये जाकिर मस्ताना आ गया। हाँ, ये पड़ोसी है, किराया लेने आया है, ठीक है। चलो बोलो, कोई स्क्रिप्ट नहीं, अब हम बोल रहे हैं, वो किराया मांग रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वो किराया मांग रहा है, बोल रहा हूँ, तो हम बस हो गया, याद कर लो इसको बस, हाँ चलो उसके बाद ये आएंगे, सेठ आ गया, शकील भाई आएंगे यार। चलो अब कितने बजे नजर, कितनी देर हो गई नजर भाई, क्यों लिखते थे खाली इसकी इंटरेस्ट की? उमर भाई 20 मिनट हो गए, चलो अब मैं आ रहा हूँ, अब घर के मालिक आने, चलो भाई सेट पे हो, शकील सिद्दीकी तुम हो, यानी शकील भाई तुम हो, उमर भाई इंटरव्यू बस कुछ भी नहीं, अब वो अपने बोल रहे हैं, बोलते हाँ भाई चलो बोल रहे हैं, ये होता था नजर भाई लिख रहे होते थे जिनके क्यों वो लिख रहे होते थे, ये स्क्रिप्ट बन गया, वाले ने हमें दे दी जाती थी भाई, इसके बाद इसकी एंट्री है, इसके बाद आपने आके किराया मांगना है, उसने आके खाने का पूछना, बस वो हमने बात उसके अंदर अपनी बातें बनानी थी। उमर भाई की टीम के खास लोग आप देख लें, मखसूस लोग हैं, हर एक के साथ नहीं करते उमर भाई कॉमेडी, जो करते थे ना उनका ग्रुप था, उन्हें पता था ये मैं इसको अगर बोलूंगा ना ये फिल्बदी हाँ, उसको स्क्रिप्ट की जरूरत है, पेट्रोल महंगा होगा उसमें बात से बात निकालेगा सामने भाई, बात खत्म नहीं करेगा, तो इस तरह उनको क्यों मिलता था, वो खुश होते थे कि कोई बंदा बातों से बात निकाल ले, उस पे उनको मौका मिलता मतलब था, मतलब एक्शन पे रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन से उनको एक्शन की बात नहीं मिलती, वो नई बात करते थे, हमारी बातों से उनको और नई लाइन मिलती थी, नई लाइन इस तरह कर कर इस तरह एक आपका पूरा स्टोरी बन जाती थी, पूरा ड्रामा बन जाता था। ये क्वालिटी उस शख्स में थी जिसका नाम उमर शरीफ है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और मैं कह रहा हूं वर्ल्ड के अंदर शायद ही कोई ऐसा कॉमेडियन हो या ऐसा कोई ड्रामा हो जिसमें स्क्रिप्ट ना हो, ये उनके जहन स्क्रिप्ट था, सारा ड्रामा टोटल उनके जहन में चल रहा होता था। नहीं वाकई अल्लाह ताला ने उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत नवाजा, बहुत टैलेंट से नवाजा, अल्लाह ताला उन्हें उनकी मगफरत फरमाए, आमीन आमीन आमीन। अच्छा उमर सॉरी शकील, मुझे ये बताइए कि स्ट्रगल जब आपने किया, क्या क्या मुश्किलात पेश आई, क्या क्या फेस करना पड़ा आपको? घर में तो हमारा कोई सिस्टम था नहीं, मेरे बड़े भाई थे, हैं अल्लाह उन्हें सेहत दे, गुलाब शाह नाम है, तो वो उस टाइम पे बहुत छोटे मोटे स्टेज ड्रामे किए, तो पोस्टर लेके आते थे, वो मुझे दिखाते थे ड्रामे के पोस्टर, वो कि मैं देखो अब ये ड्रामा मुल्तान करके आया, ये करके आया, वो मैं देखता था यार, तस्वीर लगी होती थी उनकी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर लगी, मैं देखता अल्लाह करे मेरे भी कहीं ऐसे बस वहाँ से शौक हुआ कि भाई को देख के अपने यार भाई है, तो मैं भी बस फिर वो अब वो भाई माशाल्लाह वो अब तो बारिश हो गए दाढ़ी वाड़ी, हम निकल पड़े इस तरह, अब चल पड़े, तो फिर क्योंकि उन्होंने परफेक्शनल अपनाया नहीं इसको शोबे को, हमने प्रोफेशनल बना लिया इसको, यही मेरा प्रोफेशन है, यही करना है, यही करना है, बस सोच लिया था करना है तो यही करना है, सही, और वही किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या क्या मुश्किलात पेश आई आपको? घर से जो था, घर से इजाजत मिल जाती नहीं, थी नहीं, 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 नहीं ना, या घर वाले कहते होंगे ये किस काम में पड़ गए? वालदेन का इंतकाल तो 40 साल पहले हो गया मेरे,
तो मैं भुप्पी के पास रहता था, बड़ा सख्त हमारा, क्योंकि सैयद हम लोग हैं, जिलारी सैयद हमारा हुआ, तो वो घर से बड़े सख्ती थे। अच्छा कमाते वमाते कुछ थे ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये होती ना कि हाँ, जवान भी हो गए और कमा, कमाते भी बजाय हैं, कमाने के उस चीज में पड़ गए अजीब जहाँ 100 रुपये चीजों भी नहीं में मिलते। डांस में पड़ जाने कुछ नहीं, 100 150 200 वो आपस में बांट लिया करते, दो गए। सौ हाँ, 300 रुपये क्या होता था, दस पंद्रह किराए में बीस भी रुपये लगते होंगे हाँ दस बिल्कुल। पंद्रह बीस हाँ रुपये जेब में रख के ला रहे हैं। तो घर से बड़े सख्ती थी, भाई इतने पैसे आपने देने महीने के, काम करो, ये किस चक्कर में पड़ गए। तो मैं क्या करता था, गैलरी में अपना बिस्तर छुपा के रख देता था। अब जब रात को पहुंचे, मुझे पता है ना आपा आपा कहता था, तो दरवाजा नहीं खोलेंगे, तो गैलरी में कूद के तो ये वो, फिर वहां पे बिस्तर से बिछाया, सो गया था। सुबह दरवाजा खुल गया, अंदर जाके सो गए, तो उन्हें शक नहीं होता बेशक था होता कभी, था सुबह होता पूछते, होगा कहाँ गए थे भाई, फंक्शन में जा रहे हैं, क्या मिलेगा इससे, आपका इंशाल्लाह नाम बनेगा। अच्छा उस टाइम एक होता ना बंदा, क्या नाम बनेगा, कुछ नहीं बनता नाम, कोई काम करो, कोई हुनर सीखो, कोई ये सीखो, वो अपने तौर पर सही कह रही थी, अपना बिल्कुल। तजुर्बा था, लेकिन जहन में ठानी हुई थी, तो बस वो निकल पड़े इसी तरफ। अच्छा, फिर आपने ये थिएटर स्टार्ट फिर किया, थिएटर थिएटर स्टार्ट स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, फिर उसके बाद थिएटर के बाद फिर टीवी स्क्रीन पे आए। बहुत किया टीवी पे, काम बहुत किया, लेकिन टीवी पे क्योंकि हम लोग आदि हो गए अब ना, ये बस टीवी पे। एक तो अब जो है ना, जितने बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे इस वक्त, तो बड़े फिल्में भी कर रहे हैं, सब मेरे दोस्त हैं, सब जानने वाले हैं, लेकिन मुझे उसका जो हमारा ये होता है कि हम स्टेज पे जो काम होता है ना हमारा, किया उतरे, लिफाफा मिला, पैसे बिल्कुल मिले, इनाम भी। अब वो टेलीविजन पे होता है, आपको पता है ना, चेक फंस टेलीविजन जाते पे हैं, वो तो चेक फंस जाते हर हैं कोई महीनों रोल महीने। डालता अच्छा है। जब आपका काम है ना, हाँ आपका काम है जी, आप कहना एक जगह कर रही है, एक चैनल में कर रही है, यहां से एक महीना लेट हो जाएगा, 2 महीने हो जाएंगे, तीसरा, 6 चैनल्स के अंदर लेकिन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर सही यहां से बात, नहीं मिल रहा आपको, यहां से मिल यहाँ से जाएगा, मिल यहां से नहीं मिल जाएगा। रहा यहां से मिल जाएगा। इसलिए टेलीविजन बड़ा मुश्किल लगे बस पैसों के मामले में, लेकिन अब तो माशाल्लाह बड़ा एक्टिव है, टीवी भी पैसे दे रहा है, सबको दे रहा है ये वो। ये तो चले अच्छी बात है। हाँ तो खैर, टीवी पे भी आपने काम बहुत किया किया, सीरियल और की माशाल्लाह फिल्म भी आपने की है। जी, मैंने कितनी परवेज फिल्म्स की? राणा साहब की फिल्म की डर, सिकंदर भाई साहब की सिकंदर, अपना मोहम्मद राणा भाई की मम्मी की सिकंदर, अच्छा फिर टोनी भाई की, तनवीर जमाल की फिल्म एक आने वाली है मेरी, जैपनीज कनेक्शन, जी उस पर बड़ा अच्छा रोल है, वो किया, बस इस तरह किया है। मतलब क्योंकि फिल्म के लिए कराची से बाहर जाना पड़ता है, कराची मेन हमारा है थिएटर, थिएटर को नहीं छोड़ सकते हम लोग, थिएटर थिएटर नहीं के छोड़ आर्टिस्ट ना सकते। कभी नहीं, नहीं 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 थिएटर के आर्टिस्ट, ये तो हमारा थिएटर तो मतलब मैं अगर ये सवाल नेक्स्ट करती तो मुझे पता चल गया कि आपका फेवरेट तो थिएटर है। थिएटर 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 के जो आर्टिस्ट है ना, वो थिएटर को नहीं छोड़ सकते, ये हमारा तो खून में बच गया, रच बस गया, ये नहीं, हम नहीं छोड़ सकते, थिएटर नहीं छोड़ सकते। ना, ना, ना। किसी भी सूरत में हो, हमने कॉमेडी थिएटर में कॉन्सर्ट में कॉमेडी करें, कहीं भी कॉमेडी करें, अब फिल्म के लिए जाना पड़ता है महीने महीने के लिए बाहर, या कराची से बाहर, अब तो खैर सब या कुछ आउट ऑफ कराची में हो रहा है, कंट्री। पहले होता था लाहौर के, लाहौर जाओ, फिर लाहौर से इस्लामाबाद, फिर बाहर की फिल्म है तो महीने महीने के लिए, तो वो नहीं हो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सकता वो। हाँ, जो फिल्म के एक्टर हैं, जो बेसिक फिल्म ही करते हैं ना, जी वो फिल्म करेंगे, बिल्कुल, जो टीवी जो के हैं टीवी के, उन्हें उनको पता पता है, टीवी उन्हें टीवी है हाँ करना, जो हम टीवी स्टेज के, वाले हम स्टेज को क्यों छोड़े। सही बात है। तो थिएटर किया, टीवी, फिल्म किया, फिल्म्स की, तो सब में फर्क लगा होगा। बहुत बहुत स्क्रीन टीवी का तो खैर, थिएटर तो खैर लाइव आप दे रहे होते हो अपनी परफॉर्मेंस, स्क्रीन टीवी की और फिल्म की स्क्रीन में बड़ा फर्क होता है। बहुत देखिए, थिएटर पर जो होता है ना, आपको करंट आपको ना रिस्पॉन्स आ जाता है उसी उसमें, लाइव बुरा होगा तो वहां कोई होटिंग आ जाएगी, अच्छा करेंगे तो आप क्लैप आ जाएगी, कॉमेडी करेंगे लोग हंस पड़ेंगे, ये पड़ेंगे, इस तरह करंट काम है, बड़ा समझ के करना पड़ता है। हम जिसे कहते हैं तख्त या तख्ता, लोग तो बड़ा आसान समझते हैं स्टेज पे आ जाना, उन्हें ये नहीं 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 पता कि नहीं पीछे उमर भाई, मोइन भाई, ये हम लोग कितनी अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मियाँ बिल्कुल इज्जत अदा इज्जत रख फरमाना, लेना अल्लाह बिल्कुल। मियाँ इज्जत रखना ना, कोई जाती वोटिंग ना हो जाए, या हमारी कॉमेडी मजा ना रहे, तो पीछे बड़ा दुआएं करके लोग स्टेज पे कदम रखते थे, ये बड़े बड़े हमारे जो गुजरे हैं या हम लोग हैं पीछे, क्योंकि लाइव 1400 1500 लोग बैठे हुए हैं, उसके अंदर आपने घुसना, घुसने पर अल्लाह मियाँ क्लैप हो जाए मेरे पे, घुसते एंट्री क्लैप हो जाए, ये सब दुआएं अल्लाह से करनी पड़ती हैं, तो लोग समझते हैं जी ऐसे ही बस, नहीं ऐसा बिल्कुल है, सही बात है, ऐसा क्योंकि नहीं। मुझे भी अपना वो वक्त याद है जब मैं आप लोगों के साथ जी ग्रुप में हाँ परफॉर्म हाँ कर रही होती थी, एक चैनल, निजी चैनल के लिए, तो मैं भी पीछे ही दुआ हाँ, करती थी कि रिकॉर्डेड साहब प्रोग्राम, वो रिकॉर्डेड था रिकॉर्ड लेकिन देखे फिर तो भी ये होता था कि वन गो हो वन जाए, गो हो जाए, कोई रुके ना कट बीच ना में, आए, कोई बार हाँ बार टोके ना, बार बार मसला ना हो, बस वन गो हो जाए वन गो अल्लाह और पाक। अच्छा हो जाए और जरा, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत अच्छा बहुत, बहुत वन अच्छा गो करते थे और बहुत अच्छा करते थे, बड़ा मजा आता था। वो वक्त मिस करते हैं आप? बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि अब कोई चैनल,
इस तरह के प्रोग्राम कर नहीं रहा, बिल्कुल सिर्फ टॉक शोज रह गए हैं कॉमेडी जो अच्छे चल रहे हैं पंजाब से चल रहे हैं सारे, लेकिन कराची के फनकारों कोई टॉक शोज नहीं आ रहा नहीं। क्या कहना चाहते हैं जो भी अभी हमारे नहीं, अभी सुन इसमें रहे? या मार्केट शायद पंजाब की ज्यादा अच्छी है या, लेकिन कराची के फनकार अब हम शुरू कर रहे हैं विनिस से इंशाल्लाह फनकारियां के नाम से लोग अनकरीब देखेंगे टॉक शो कॉमेडी टॉक शो तो वो देखेंगे आप तो बड़ा मजा आएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरीके से अब पता नहीं क्या मसला है या मार्केटिंग का मसला है या और कोई बात है, जितने भी कॉमेडी टॉक शोज हो रहे हैं वो सब वहां से हो रहे हैं, पंजाब से हो रहे हैं सारे, 7-8 कॉमेडी टॉक आप देखती होंगी, बड़े बड़े नाम है उसमें सब वहां के। लेकिन कराची के लिए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की नजर क्यों नहीं पड़ रही कराची के फनकारों पे, थिएटर के स्टेज के या कॉमेडियंस पे नहीं पड़ रही, तो अल्लाह खैर करे बस। या फिर तकरीबों के अंदर बड़े बड़े मिनिस्टर वजीर अपना जो इदारों के घर के फंक्शनों के अंदर हम लोग जाते हैं साथ हैं कॉमेडियन सब जानते हैं, लेकिन इस मामले में आके जब पता नहीं क्यों कराची स्टेज को पीछे सबने डाला हुआ, कोई आगे देखे नहीं आ रहा। तो कुछ करें इस पे, कोई जद्दोजहद करें, कोई कोशिश करें कि कुछ... नहीं, अब हमने अपने अपने साइडें ढूंढ ली हैं, जैसे फंक्शन हो जाते हैं ठीक है, और ये मैं वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ अब, चैनल पे। हाँ जी, तुर्की का ड्रामा है जी, जी। बड़ा मशहूर ड्रामा है कौरलत उस्मान, बहुत बड़ा चैनल से ऑनर, उसमें बड़ा अच्छा एक मेरा वॉइस ओवर का वॉइस ओवर। तो इस तरह लोगों ने अपनी अपनी मसरूफियात ढूंढ ली है, कोई अपने यूट्यूब चैनल बना लिया, आपके यूट्यूब का कितना आम हो गया इसलिए सोशल मीडिया। जाहिर है एक अब जब जो काम आप करते हैं वो बंद हो जाए या वो ना हो रहा हो तो जाहिर है आपको चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। तो मैं अकेला आदमी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता ना, बिल्कुल कायनात में क्या करूँगा अकेला, यूनिटी होनी चाहिए सब मिलकर। बोलूंगा बोलूंगा नहीं भाई मेरा तो यूट्यूब चल रहा है, मेरा तो फला चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, इसी वजह से तो फिर कुछ होता नहीं। कुछ होता फिर जब सब मिलेंगे अपना सोच लेते हैं तो फिर कैसे होगा, ये तो इज्तिमाई एक फैसला हो तो फिर उस पर मजा आता है। अच्छा, ये जो आपने अभी खुद ही यूट्यूब की बात की तो सोशल मीडिया का बड़ा अब तो दौर ही सोशल मीडिया का, और आपने लिया हाथ में फोन और बस मोबाइल आपके हाथ में, आप जहाँ जाए क्या क्लिक हो जाए, देखे ना कब जाए, ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, ये हमारी पार्टी हो रही है, बस ये तो बिलियनर्स पे व्यूज आ गए, लखपति हो गई वो खातून वो लड़की, ये होता है कुछ पता नहीं क्या हिट हो जाए। इस बारे में क्या आप कहते हैं कि सोशल मीडिया का जो दौर हमारा अभी चल रहा है सब इसी तरफ आ जाए? नहीं 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 नहीं, क्योंकि कई लेकिन क्योंकि मुस्तकबिल यही फ्यूचर यही है, आप इस तरफ कैसे ना आए, इस तरफ भी आ जाइए बोले आप मुझे, बिल्कुल हाँ, क्योंकि मुझे तो लगता है जो हमारे घर में टीवी है LCDs है वो तो सब बेकार है हाँ। अब तो हम टैब्स हाथ में या सेलफोन हाथ में और बस वो चीजें वहीं पे हम देख लेते भाई हैं। अब ये देखे ना कि अब जो ड्रामे मुझसे मिस हो जाते हैं या जो मैंने नहीं देखे उस दौर में, अब मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल कितना आसान हो गया ये भी। अब ड्रामा चला था हमारे शहीद भाई का जो था मेरे पास, तो बड़ी बात सब हमें मौका नहीं मिलता टेलीविजन देखने का, तो जब तारीफ सुनी बड़ा हिट जा रहा है हिट जा रहा है, तो मैंने देखा ना यूट्यूब में देखो सही देखा अच्छा लगा, तो पूरा मैंने पूरी सीरियल देखी, ये होती है बात, यूट्यूब का ये चार्म ये इसका जादू है जो चल गया। बिल्कुल देखे ना कई लोग जो घर में बैठे बैठे खवातीन ब्लॉगिंग कर रही है, खाना पकाने वाले तो उससे अर्न भी कर रही है। ट्रेवल नादिर देख ले बहुत अच्छा हमारा जो यूट्यूबर है जी पकाऊ जी नादिर, वेरी बहुत अच्छा लड़का, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, प्रैंक मास्टर कहते हैं, वो स्टार है, बहुत अच्छा इंसान है वो, देखिए माशाल्लाह उसी से निकला है। इस तरीके से कई लोग जो सोशल मीडिया मुस्तकबिल यही है, तो हम भी सोच रहे हैं कॉमेडी करेंगे तो इसी में करेंगे शुरू, यही मैं आ रही थी इसी तरफ हाँ। कि आपने सोचा है कि यूट्यूब पे कोई तकरीबन तमाम फनकारों के यूट्यूब चैनल्स हैं इस वक्त, लोग काम कर रहे हैं अपने अपने उस पर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी शुरू करूं लेकिन अच्छी पैमाने पे करूं। बिल्कुल शुरू करें हाँ, इसी तो बस अगला दौर इंशाल्लाह जो यूट्यूब का है तो इसी में काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करें, जब लोगों ने आना छोड़ दिया मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ सबको कैमरे की तरफ देख के बोल रहा हूँ कि खुदा के लिए थिएटर ड्रामे पे आइए, कोई ड्रामा होता है आप आके देखिए अपने फैक्ट, जो थिएटर में लाइव देखने का मजा है ना, वो रिकॉर्ड ड्रामा देखने का मजा नहीं, जो लाइव का जो लुत्फ है ना थिएटर, जब वो वक्त था लोग आया करते थे थिएटर में भी, एक थिएटर भी रोशन होते थे, अरे हमें जो बस घुसते थे आवाजें जो तालियों की क्लैप की और लाफ्टरों की, वो अब तो गूंजती रहती है कानों में यार, वो अब वो ऑडियंस नहीं रही, वो लोग अच्छा महंगी तफरी भी हो गई, लोग बिजी इतना हो गए कि वो अच्छा सिनेमाज अब खुल गए दोबारा से, पार्क हो गए, रेस्टोरेंट इतने खुल गए तफरी के, तो बोलते वहां छोड़ो वहां चलो, वहां नए झूले आए नए पार्क बन गए नए, अच्छा बड़ी एक्टिविटी है वहां चलो, वो रेस्टोरेंट खाना ड्रामों में क्या रखा है इस तरह।
चलें शकील, मजीद हम आपसे बात करेंगे, ब्रेक टाइम हो हो गया गया एक ब्रेक, ब्रेक का, हाँ और वो तो जरूरी जरूरी है। जी नाजरीन, टाइम हो गया एक ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी, हमारे साथ है शकील शाह, जिनसे हम अभी बातें कर रहे थे और अभी भी मजीद हम इनसे बातें करेंगे। जी शकील, मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, कैसे थे? चुलबुले थे, रिजर्व रहते थे, मस्ती खोर थे, कैसे थे? शरारती शरारती थे? शरारती 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 थे? बता रहे हो, होता है ना हम एक बचपन, इंसान से अगर बोला जाए ना, देखिए यार आपकी क्या ख्वाहिश है कोई जिंदगी, किसी भी इंसान को वो दो बातें करेगा, या तो बचपन या जवानी। किसी भी आप इंसान से कोई ओल्ड होगा बूढ़ा आदमी, वो कहेगा मेरी जवानी या बचपन, तो जो हो नहीं सकता, बस वन टाइम होता है जिंदगी के अंदर। तो बचपन बड़ी बड़ी शरारतें की, बहुत शरारती थे, और वालदा को भी परेशानी होती थी, मोहल्ले में लड़ाई होती थी आपस में, कभी उससे पंगे करना, उसकी मुर्गी उठा के ले आना, ये कर लेना, ये कर लेना, तो किसी की मुर्गी उठा के लाके जिबा करके खाई है, किसी कहते चोरी करके ले आना। हाँ, ये भी मोहल्ले की दो तीन दोस्तों बारे में। वो एक दिन तो क्या हुआ, हमने बड़ा चला के तीन चार हम दोस्त थे, उन्होंने क्या, जिसकी मुर्गी गली में फिर रही थी, मुर्गी हमने उठाई और उन्हीं के घर में छुप गए। ये देखे ना, गैलरी के अंदर उन्हीं की गैलरी के पकड़े गए। पकड़े गए तो आप उन्हीं के गैलरी में क्यों छुपे? हमें क्या पता उनकी है, मोहल्ले में घूम रही थी ना वो। पकड़ के अब देखा, चलो उसी में छुप जाओ, देख लिया। भाई ये नहीं कह रहा कि मैं मुर्गी उड़ी छोड़ दी, बचपन की शरारतें छोटे छोटे, लेकिन कुछ लोग बता देते हैं, कुछ नहीं बताते, तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, मजा आता है। तो जाहिर है बचपन था, शरारते थे, अगर बचपन में शरारते नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अच्छा बचपन होता है तो हम कहते हैं जल्दी से जवान हो जाए, हम स्कूल में होते तो कहते हैं अब कॉलेज कब जाएंगे, और जब कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब हो जाता है तो कहते हैं वो स्कूल ही ठीक था, वो बचपन ही लाइफ। तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लाइफ या स्कूल लाइफ कितना मजा आता था, वो दोस्त, वो साथ कलीग्स अपने, वो सब, वो दौर ही कहाँ, मतलब दौर भी अलग था। वो कहते हैं दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो जवानी, वो बचपन, वो लौट के कभी नहीं, नहीं, नहीं। बड़े बड़े लोग चले गए, सिर्फ यादें रहती, बस यादें रहती। एक टाइम होता है जैसे आपने बताया ना कि जब हम बच्चे होते हैं जल्दी से बड़े हो जाए, जवान हो जाए, जवान होते हैं, फिर जल्दी से कोई हो जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, उसके बाद जब, अरे यार वही सही था यार, अल्लाह मियाँ बचपन दे दे, लौटा दे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, सोचे रहे याद, फिर अपनी तस्वीरों में देख रहे होते हैं। अब जो तस्वीरें हैं, ड्रामे वगैरह देख रहे होते हैं, अपने जो शुरू शुरू के दौर के ड्रामे जो देखता हूँ मैं, अपने या उमर भाई के, शकील साहब के, तो एक मजा आता है कि यार वो दौर था जो ड्रामे का चलते थे ड्रामे। अब तो बस सब अपनी अपनी जगह मसरूफ हो गए, वरना हमारा ये था कि शाम को 6 बजे हमने फला ऑडिटोरियम में, अंबर ऑडिटोरियम में, आर्ट्स काउंसिल में, फ्लेट क्लब में, यहाँ पे जमा होना है, रिहर्सल होनी है हमारी, यहाँ से हम जाएंगे 11, 12, 1 बजे घर पे अपने। हमें ये होता था जल्दी से, सेकंड डे आए फौरन रिहर्सल में पहुंचे, यानी कि इतना जनून था काम करने का। और अब तो ये होता है बस जल्दी से काम खत्म और घर चले जाए, पहुंचे वहां 1-1.5 घंटे के अंदर पूरी टीम, ड्रामा हो ना हो, ड्रामा हो या ना हो, वैसे ही बस घर पे रहना नहीं है, बस वहां जाना है। वो हमारा एक जिसे कहते हैं कि बैठक थी, कि वहाँ बैठे सारे गपशप हुई, वहाँ फनकार सारे जमा हुए, ये अगले ड्रामे की प्लानिंग हो रही है, ये हो रही है, इससे ये भी रहता है कि एक दूसरे का हाल चाल भी पता चलता पता रहता है। हमारे यहाँ तो ऐसा खानदान था पूरा, एक बिल्कुल जो एक फैमिली थी, जो तितर बितर हो गई, जो मतलब सब डेली मिल बैठना, डेली बातें, ये वो पुरानी यादें, वो बस अल्लाह ताला, अब वो लोग भी नहीं रहे, वो लोग भी नहीं, लोग भी नहीं रहे ना, ना वो लोग, ना वो बातें, ना वो बातें, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो बातें कहाँ से होंगी। अच्छा शकील, माशाल्लाह आपने आउट ऑफ कंट्री भी शोज किए हैं काफी, तो कहाँ, कैसा कोई बुरा वाकया हुआ, कहीं कुछ ऐसे कोई वाकया याद है कि कहीं आप परफॉर्म करने जा रहे हो तो कोई मिसहैप हो गया हो? बड़े वाकयात है, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया, ये वाकया बड़ा अच्छा है, उस वक्त मैं कुरान का बड़ा शौकीन था, आई थिंक 96 95 के अंदर 6, हम दुबई जा रहे थे, पहला ट्रेवल इंटरनेशनल मेरा, यानी पहला ही मरतबा जहाज में, तो पान का बड़ा शौक था मेरा, मैंने तो यहाँ से कुछ 40 के करीब बहादराबाद अंबर ऑडिटोरियम से, अच्छा लाला भाई भी याद रखे, रोज लाला भी पान खाते हैं, अभी वो तो अभी तक खाते हैं,
मैं भी उस टाइम मैंने उनको बताए बगैर 40-50 पान अपने पैक करवा लिए कि जी दुबई जा रहे एक हफ्ते के लिए जा रहे, वहां खाऊंगा आराम से, फ्रिज में रख दूंगा, फ्रीज कर दूंगा उसको। कराची एयरपोर्ट पे पहुंचे जब, तो हाँ भी तेरे को सामान, मैंने कहा भाई लगेज ये क्या था, लेकिन पान, अब लाला भाई पान, अच्छा लाला भाई शकील भाई सिद्दीकी भाई ने क्या प्लानिंग की मुझे नहीं पता। थोड़े लाला भाई आया, ये तो कहाँ जा रहे, नहीं कस्टम वाले, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था, नहीं ये तो जुर्म तेरे वो हो जाएगा, फाइन हो जाएगा, ये मैं क्या करूँ भाई, मैं घबरा गया फर्स्ट टाइम, नहीं नहीं रोक लेंगे तेरे को, तो तेरे तो वो कैंसिल कर देंगे वीजा। अच्छा मैंने भाई क्या करूँ इनका, मुझे दे दे तू, मैं फेंक देता हूँ जाके ना, मैं कस्टम वाले मेरे जान में फेंक दूंगा, कोई बात नहीं। अम्मा बॉडी हो चुकी थी, बॉडी हो गई थी, नहीं जहाज में नहीं बैठने देंगे तुझे, ये वो फेंक, लाला भाई ने रखा सब वहां रख दिए अपने बैग में रखे, मैं समझा फेंक दिए उन्होंने, मैं ये समझ के बना फेंक, दुबई जाके उन्होंने एक एक धर्म का मुझे पान बेचा है। हाँ, आपके ही पान, मेरे पान मुझे ही बेच रहे। मैं कह रहा हूँ वहां चलते वक्त तो उनके पास पान थे नहीं। अच्छा आपको पता चल गया था ये आपके ही पान? नहीं नहीं, वो तो सेम था, वो खाकी लिफाफे होते थे तो, लेकिन बता दिया लाला भाई ने, अब जब 15-16 धर्म दे चुका ना उनको, इतनी पेमेंट थी भी नहीं वहां पे, इतना तेरे ही पैसे के पान है, तो आपने मना किया था तो जहाज के अंदर सबने मना, नहीं मैं घर जा पा। और जो एयर होस्टेस खाना लेके आती ना जो टेक ऑफ के बाद, तो ये वो फर्स्ट टाइम मैं ट्रेवल कर रहा था, तो वो खाने में पैसे लगते हैं इसके, एक बार दोबारा नहीं मांगना अब, नहीं वो ऑर्गेनाइजर बुरा मान जाएगा, दोबारा पानी नहीं मांगना अब, तो बाद जहाज में जो एक ही टाइम आया ना खाना, सब जूस पी रहे हैं, पानी मंगा रहे, अब मैं डर के बैठा हूँ, नहीं धर्म में कटेंगे, धर्म में आपने सोचा पैसे कटेंगे, फर्स्ट ट्रेवल था मेरा, तो मैंने कहा नहीं भाई उसके साथ ऐसे होते हैं। वहाँ क्या, मैं और सलीम आफरीदी अपना बांग्लादेश गए हम लोग, वहां पे बड़ा अच्छा एक वाक्य ये हुआ, यहाँ से बांग्लादेश, अच्छा हम करते हैं कॉमेडी जो स्टेज पे होती है, ज्यादा से ज्यादा किसी कॉन्सर्ट के अंदर आधे घंटे से लेके, बस ज्यादा बता रहा हूँ 40 मिनट बस, हम तो सोच से गए थे, वहां पहुंचे तो पता चला वो टोटल फंक्शन ही हम पे रखा था उन्होंने, सिर्फ हमें ओनली सलीम आफरीदी शकील शाह, हम अब लो जी अब गाने भी गा लिए, डांस भी कर लिए, सौला दिन, अब मैं कह रही जी और कोई आर्टिस्ट नहीं कर, नहीं जी आप ही हैं भाई, आप ही करो। तो हमने कोई 4 या 5 घंटे जिस तरह किया है वहां पे, जो सवाल ये पब्लिक के अंदर उनके घर के वाकयात पूछने लग गए, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, पूरी कॉमेडी कर दी, गाने गा लिए, पब्लिक को डांस करवा दिया, सब कुछ खत्म हो गया 4-5 घंटे और मतलब लोग बैठे ना 250-300, बड़ी अच्छी फैमिली थी, और हम लोग मैं सिनेमा करो किस लिए लेकर आए भाई कह रहे मुझे क्या पता यार, ये था मैं समझा आधे घंटे की कॉमेडी होगी, हॉल बुक किया था हमारे लिए स्पेशल उन्होंने सिर्फ हम लोगों के लिए, वो समझ गया, तो पूरा हमने वो 4-4.5 घंटे लोगों को एंटरटेन किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये भी आपका यादगार वाक्य है, वो सबसे यादगार वाक्य ये वहाँ पे, और वहाँ शुरुआत जो खाना वहाँ पे आता है, वहाँ पे उन्होंने शुरू में टेस्टर के तौर पे ना वो उन्होंने वो लाके रख दिया शीशे की खूबसूरत, उसमें ना रायता, तो मैं समझा शर्बत जैसे मुहर्रम में नहीं बनता, वो रायता हमने रायता भरा, और जी क्या करें जी, शुरू में हाजमे के लिए देते हैं हम लोग, मतलब पहले बताते ना जी, तो उन्होंने वो कोई लड्डू टाइप के बनाए हुए थे, मैंने कहा शायद यही है सलीम भाई, मैंने कहा सलीम भाई ये लग रहा है खाना वाना यहाँ नहीं होता, यही होता इनके इसमें यही, तो हमने वो मर से कहते मर के खा लिया, सब पेट भर लिया, फुल भर लिया, तो रायता पी रहे हैं पानी पी रहे हैं, बस मुझे 10 या 20 मिनट बाद जी वो अब बिरयानी आ रही है, वो बटेर आ रहे हैं, बड़े अच्छी फैमिली, अब हिम्मत ही नहीं, हम तो उससे वो जो बटाटा बड़ा टाइप के नहीं होते पकौड़े टाइप, उससे तो पेट हमारा फुल, अब शक्ल देख रहे थे कि यार बिरयानी तो अब आ रही है, कोरमा अब आ रहा है, ये तो उससे पहले हमने उसी से गुजारा कर लिया, हमने कहा नहीं भाई फिर तो आपने खाया ही नहीं, नहीं खा नहीं खा सकते ना। अच्छा ये भी वैसे तरीका अच्छा है, अगर खाना बचाना हो तो पहले आप ये चीजें रख दो छोटी छोटी मोटी, और उसके बाद स्टार्टर क्या मतलब होता है, जब स्टार्टर शुरू हो गया ना, शुरू में गोलगप्पे या दही भल्ले, वो तो बस आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकिन लोग स्टार्टर, तो वो और जो लोग होते हैं वो कबाब और पराठे के साथ ठंडा पानी रख देते हैं, इस तरह भी खाना बच जाता है उसका क्यों, हाँ कभी आप कॉम्बिनेशन बनता नहीं है ना, ठंडा पानी आप कबाब पराठे पे नहीं, और सर्दियों में रखते थे मेहंदियों के अंदर ना, कबाब पराठा रख दो सर्दियों में 2 मिनट में जम जाता है। तो बच्चे ही अम्मा माना करते थे नहीं कबाब बस 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 बहुत खा लिया सर्दी हो रही है बस नहीं खाओ नहीं खाओ जब पराठा नहीं खाओ बस ठीक है, तो अच्छा तरीका है बच जाता बचाने का, तो गर्म गर्म खाने जो होते हैं ना बारबेक्यू वगैरह टिक्के ये लोग शौक से खाते हैं। अच्छा शकील मुझे बताएं कि ये बातें तो हमने खैर इधर उधर की काफी सारी की हैं,
लव मैरिज की आपने, अरेंज मैरिज की? नहीं, लव मैरिज। लव मैरिज, लव मैरिज। कुछ मसले मसाइल हुए? हुआ तो आराम से हो गई, इजी इजी हो गई, कोई ऐसा बात नहीं। बस मैं भी जो हमारे डायरेक्टर है उसके बारे में तो यही बात कर रहा था, तो कह रहे थे कि जिससे मोहब्बत हो ना वो तो शादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, उसका रीजन? वो तशनगी रहती है वो सारी जिंदगी, वो अच्छा होता है। शादी होगा तो फिर वो आपको पता नहीं शादी के बाद आप खुद मैरिज कि वो उसके बाद वो माहौल खत्म हो जाता है ना, वो जहन में जो बसा होता है ना। वो तो जाहिर है, आप घर में 24 घंटे साथ हैं। भाई अब ये देखे ना, लोग जो एक्ट्रेस को क्यों पसंद करते हैं, जो स्टेज एक्ट्रेस या टेलीविजन की स्टार, वो उनको हमेशा रेडी देखते हैं, तैयार देखते हैं, बड़ी समरी ड्रेस से, खूबसूरत ड्रेस के अंदर। घर में हमारी जो वाइफ है उनका वो थोड़ी होगा, घर में जाएंगे तो वो अपने घरेलू ड्रेस में होती ही होती है ना, जो फैमिली खवातीन, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी होती है। कैटरीना कैफ, दीपिका, मैं भी शायद, फायदा, मायरा, सब हमें तो वो अच्छी लग रही होती है, वो हमेशा ऐसी थोड़ी होती होंगी। लेकिन हम सोच रहे होते हैं नहीं यार अच्छी लग रही है यार हमारी, क्योंकि हमारी बीवी ऐसी 24 घंटे कौन रहेगा। लेकिन हम उन्हें हर वक्त मेकअप में देखते, आम आदमी तो उन्हें कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, तो उस चक्कर के अंदर जिंदगी गुजर जाती है। तो बस, तो आपने कभी बीवी को कहा कि तैयार रहा करो जब मैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो तो रहती है तैयार। अब तो बच्चे बच्चे भी होगा तो वो सिस्टम नहीं है, एक एज एज होती है, एज होती है उस स्टाइल से। लेकिन मैं कामयाबी का एक गुर बता रहा हूँ अपनी बहनों को जो शादीशुदा हैं, ये खुदा के लिए। अच्छा, ये तो कहने की बात है, जब शोहर आए घर तो बंद बंद संवर के रहे ना, अच्छे अच्छे रहे, बंद संवर के नहीं कह रहा मैं, कम अज कम अच्छे फ्रेश 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 बने हुए, हाँ फ्रेश फ्रेश लगे। वो अम्मा नानी का दौर चला गया कि जब तेल भी लगा के बैठी होती थी, सर पे पट्टियां बनी, अब दौर नहीं, नया दौर है। क्योंकि शोहर ग्लैमर देख के आ रहा है, आपका शोहर ग्लैमर की दुनिया से अगर ताल्लुक है, फोर स्टार है कोई शोबिज का है, तो ग्लैमर देख के आ रहा है। या वो लोग बाहर निकलते हैं यूट्यूब पे इतने लोग, तो वो चाहते हैं हमारा लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। कि अब जो एक बात है कहनी नहीं चाहिए कि लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं डमी पे, लड़कियों के जो ड्रेसेस होते हैं बड़े खूबसूरत ड्रेसेस, अब यार ये ड्रेस यार ये तो ठीक है आप ले लोगे, लेकिन आप अपनी वाइफ को तो देखो उसमें जचेंगे, आप सोच रहे डमी कितनी खूबिया ड्रेस ले लूंगा अपनी वाइफ पे, पसंद आसिनों में ही फंस गया। क्योंकि वो डमी होती है, वो बेचारे तीन तीन चार चार बच्चों की अम्मा अदरक बनी हुई होती है उनपे, कहाँ थे डमी वाली। वो तो एक जहन होता है मर्द का, जहन है हम मर्द खूबसूरती को पसंद करता है, ये होता है ना। सही। तो इसलिए वो सोचता है कि सदा यार ये डमी ये सूट में ले लूं जो इसने पहना हुआ है तो ये अच्छा लगेगा, बात नहीं आप बिजली का फिगर तो देख लो चलेगा, तो वो ये होता है। नहीं तो मेरे ख्याल से देना चाहिए ना कि ये ड्रेस मैं लाया इसलिए कि तुम ऐसी हो जाओ। तो बेचारी कहाँ होता है, वो होता है ना। और जब क्योंकि वो जो डमी पे लड़की हो वो तो यंग लड़के टीन एजर्स के ड्रेसेस है ना, वो तो 18 साल 20 साल के कपड़े। अब आप सोच रहे 45 साल की मैरिड आप खातून है उसको यार ऐसा नहीं होता। नहीं मैं तो, ये तो खैर हमने मजाक की बात कर, नहीं मैंने भी मैंने भी बोला हाँ। लेकिन आप उसमें भी 50 साल भी आप वेल ड्रेस रह सकते हैं। मैं यही बात कह रही थी कि चाहे आप 40 के हो, 45, 50 के हो, आप अपने आप को अच्छा रखोगे ना, आपको खुद ही खुशी मिलेगी, आप खुश रहना सीखोगे, खुश रहोगे। देखिए मैं एक बात हूँ, किसी ने बड़े फिलासफर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि इंसान उतना ही नजर आता है जितना वो सोचता है, यानी उतनी उम्र उसकी नजर आती है जितनी उम्र वो कंसीव करता है। बिल्कुल, जितना वो सोचता है, सोचेगा ना कि मेरी उम्र, जैसे हमें ये पता है कि मैंने निकलना है स्टेज पे जाना है, इसके अलावा कोई और सोचता नहीं दुनिया। अब मेरे साथ के जो दोस्त है उनकी दाढ़ियां बिल्कुल गंजे बेचारे, ये जब मिलते हैं तो क्योंकि हमारी सोच एक जगह ठहर गई है, ठहर गई है, होना सब नहीं है बुरा, ऐसी बात नहीं है। जब तक अल्लाह जिंदगी दी है, अल्लाह सेहत के साथ, तो बुरा तो होना सबने सबका। लेकिन बनिस्बत आम आदमी के जब सोबिस के लोग होते हैं वो थोड़ा देर, क्योंकि उनकी सोच होती है वो एक जगह रुक जाती है कि हम हमेशा ऐसा रहना है उस तरीके से, बस हमेशा ऐसा नहीं रहते हो, लेकिन बनिस्बत औरों के वो थोड़ा कम। शकील थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए, इतनी मजे मजे की बातें हुई और टाइम का टाइम ऐसे गुजरा के पता ही नहीं चला। नहीं जी आपका शुक्रिया, विनस एचडी का बहुत बहुत शुक्रिया, और यूसुफ भाई और पूरी जो यहाँ की मैनेजमेंट है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे और काफी अरसे बाद मुलाकात हुई। थैंक यू। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस ये कि हसद से बचें, सबसे बड़ा जो इसके पास ये अल्लाह ने से ये दे दिया मेरे पास, यानी हसद और रश्क में मामूली सा फर्क है। रश्क कर ले इस पे आपका हसद का जो वो लागू नहीं होगा, वो बिल्कुल कि अल्लाह मियां इसे गाड़ी, अल्लाह मियां इसे और दे, हाँ।
अलमिया मुझे भी दे दी, ये कहता है हम कहते हैं इसको दे दिया, उसकी मेहनत है ना, अल्लाह ने उसकी मेहनत का सिला दिया उसको, आप उसको लिए दुआ कर दें, अल्लाह ताला से और दे, अल्लाह मियां इसके सदके में या अपने परवरदिगार अपने महबूब के सदके मुझे बेहतर फरमा दे, फिर आप स्ट्रगल करें, वो आपकी दुआ स्ट्रगल में शामिल हो जाती है। और दुआ तो फिर आपको पता तकदीरें बदल देती होगी, दुआ दुआ लें, दुआ दें, कभी दिन में किसी के लिए बुरा ना सोचे, कोशिश करें पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी जिंदगी में मार लिखाएंगे और अल्लाह की रहमतें आपके साथ रहेंगी। थैंक यू, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ शकील शाह, बहुत ही प्यारे इंसान हैं और दिल के भी बहुत अच्छे हैं और टैलेंटेड तो क्या ही मैं कहूँ। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी और गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।